इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार इसको लाना आवश्यक है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो तीन बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये दो बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2,00,000 सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2,00,000 रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चने आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है।